रुपए ने मचाई तबाही, डॉलर से अकेला भिड़ा रुपया, दुनिया हुई हैरान, भारत का बड़ा ऐलान, वहीं रूस से तेल खरीदने पर घेरा, तो भारत ने अमेरिकी मीडिया को दिखाया आईना, पेट्रोलियम मंत्री के जवाब से बोलती हुई बंद। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर व्यापार के मामले में डॉलर आज भी एक तरफा राज करके बैठा है, जिसके तहत विश्व का हर देश अपने व्यापार के लिए अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल करता है, क्योंकि अमेरिका का डॉलर काफी ज्यादा स्थिर और मजबूत है। लेकिन हाल ही में हुए घटनाओं की वजह से भारत अब अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए एक के बाद एक लगातार बड़े कदम उठा रहा है, जिसके तहत भारत ने अब सबसे बड़ा कदम उठा लिया। दरअसल दोस्तों, भारत में व्यापार के लिए करेंसी एक्सेप्टेंस के मामले में INR यानी कि भारतीय रुपए को भी जोड़ दिया गया है, जिसके तहत अब अगर कोई भी भारतीय व्यापारी या कंपनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय रुपए का इस्तेमाल करके व्यापार करती है तो उसे काफी सारे टैक्स इंसेंटिव मिलेंगे और व्यापार में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। अभी तक भारत ने इस लिस्ट में अमेरिकी डॉलर, पाउंड, यूरो और येन को ही शामिल किया था, जिसके तहत अगर इन करेंसी में व्यापार किया जाता है तो भारत कई अलग अलग टैक्स इंसेंटिव देगा और व्यापार में किसी भी तरह के रेस्ट्रिक्शन का सामना नहीं करना पड़ेगा, जो कि किसी भी कंपनी या व्यापारी के लिए काफी अच्छा सौदा है। लेकिन अभी तक भारत ने इसमें खुद अपनी ही करेंसी को नहीं जोड़ा था, जिससे अगर कोई भी कंपनी भारतीय रुपए का इस्तेमाल करके व्यापार करना चाहती है तो सरकार की तरफ से उसे कोई खास टैक्स इंसेंटिव नहीं मिलेगा और उन पॉलिसीज का भी फायदा नहीं मिलेगा जो उन्हें डॉलर, पाउंड, यूरो और येन जैसी करेंसी का इस्तेमाल करके व्यापार करने में मिलते थे, जो कि भारतीय रुपए का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर में और ज्यादा कम कर देता था। हालांकि अब क्योंकि भारत में ये बात साफ कर दी गई है कि अगर भारतीय रुपए का इस्तेमाल करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है तो भारत हर वो टैक्स, इंसेंटिव और सुविधाएं प्रदान करेगा जो कि दूसरी करेंसी का इस्तेमाल करने पर मिलते हैं, जो कि भारतीय रुपए का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कई गुना ज्यादा बढ़ा देंगे और इससे भारत की निर्भरता अमेरिकी डॉलर पर कम हो जाएगी। जहां एक तरफ भारत अमेरिकी डॉलर पर से अपनी निर्भरता कम करने के लिए एक के बाद एक काफी बड़े कदम उठा रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ भारत का विदेशी मुद्रा भंडार एक के बाद एक फिर से सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है, जिसके तहत भारत का विदेशी मुद्रा भंडार केवल 524.52 अरब डॉलर का रह चुका है, जिसमें 3.48 अरब डॉलर की गिरावट देखी गई। इसके अलावा पिछले हफ्ते भी हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 4.5 अरब डॉलर गिरकर 588.37 अरब डॉलर पर आ चुका था। यानी कि अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो मौजूदा समय में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार केवल 524.52 अरब डॉलर का रह गया, जो कि पिछले काफी समय से सबसे निचले स्तर पर है। जबकि 2021 के अक्टूबर महीने में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अपने सबसे ऊंचे स्तर पर था, जब भारत के पास 645 अरब डॉलर से भी ज्यादा का विदेशी मुद्रा भंडार मौजूद था, जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था का मजबूत करने में और संभालने में काफी अहम भूमिका निभाई। फिलहाल के लिए विदेशी मुद्रा भंडार में जो कमी आ रही है उसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही घटना और अर्थव्यवस्था के दूसरे कारणों को बताया जा रहा है। वहीं मौजूदा समय में भारत अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए एक से बढ़कर एक मजबूत कदम उठा रहा है, जिससे भारत अपनी अर्थव्यवस्था को भी संभाल सके, साथ ही अमेरिकी डॉलर के ऊपर अपनी निर्भरता को भी कम किया जा सके, जिसके तहत भारत रूस के साथ रुपए रूबल ट्रेड मैकेनिज्म को स्थापित करने के लिए काफी तेजी से काम कर रहा है। वहीं पर भारत कई अफ्रीकी देशों और UAE के साथ भी लोकल करेंसी में व्यापार को शुरू करने के लिए एक एग्रीमेंट पर आने की कोशिश कर रहा है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को तो फायदा होगा ही, साथ ही हमारी करेंसी भी मजबूत होगी कि हम अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम कर पाएंगे, जो कि भारत के लिए काफी अच्छी बात होगी। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि डिफेंस से जुड़ी है। दरअसल दोस्तों, भारत अपनी मिसाइल क्षमता को विकसित करने के लिए एक और काफी बड़ा कदम उठाने वाला है, जिसके तहत भारत की प्रलय मिसाइल हमारी पुरानी हो चुकी पृथ्वी मिसाइलों के बेड़ों को रिप्लेस करना शुरू कर देगी, जिन्हें अगले 5 सालों में सेवा से पूरी तरीके से बाहर कर दिया जाएगा और उनकी जगह भारत की नई ज्यादा शक्तिशाली प्रलय मिसाइल ले लेंगी। पृथ्वी मिसाइल की मारक क्षमता 150 किलोमीटर से लेकर 750 किलोमीटर की है और ये 200 किलोग्राम से लेकर 1000 किलोग्राम तक का वॉरहेड अपने साथ ले जाने में सक्षम है, जिसे खासतौर पर इसलिए विकसित किया गया था कि ज्यादा लंबी दूरी तक मार करने वाली और ज्यादा शक्तिशाली अग्नि मिसाइलों के साथ मिलाकर भारत की परमाणु हमला करने की क्षमता में काफी इजाफा आ जाएगा। पृथ्वी मिसाइलों का प्रोडक्शन कुछ समय पहले ही बंद कर दिया गया था और अब आखिरकार साल 2024 में इन्हें प्रलय मिसाइलों की मदद से रिप्लेस करना शुरू कर दिया जाएगा।
प्रलय एक शक्तिशाली मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता लगभग 500 किलोमीटर की है और यह काफी अच्छी खासी मात्रा में विस्फोट ले जाने में सक्षम है। प्रलय एक टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि दुश्मन के हाई वैल्यू एसेट को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। भारत को अपने दुश्मनों से आने वाले खतरों का सामना करने के लिए अपने मिसाइलों के बेड़े को हमेशा तैयार रखना काफी ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए इस कदम को उठाना काफी अहम था, क्योंकि भारत अपने बेड़े में एक ज्यादा शक्तिशाली और एडवांस मिसाइल को शामिल करेगा जो कि हमारे पुराने मिसाइलों को रिप्लेस करने वाली है, जिसे भारत दुश्मन के ऊपर मानसिक दबाव भी बनाएगा और जरूरत पड़ने पर इसकी क्षमता का इस्तेमाल भी कर सकेगा, जो कि हमारी सुरक्षा और अखंडता के लिए काफी अच्छा कदम है। लेकिन अमेरिकी डॉलर के ऊपर भारत द्वारा उठाए जा रहे कदमों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारी तीसरी खबर की तरफ। दोस्तों, भारत ने अमेरिकी मीडिया को साफ तौर पर बता दिया है कि रूस से कितना तेल खरीदा जा रहा है। भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अमेरिकी न्यूज चैनल के साथ बातचीत में साफ कर दिया कि भारत ने रूस से कुल जरूरत का सिर्फ 0.2% तेल ही खरीदा है, जबकि ज्यादातर तेल इराक से लिया गया। इस साल फरवरी में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत हुई। इस युद्ध के बाद रूस पर प्रतिबंध लगा दिए गए। प्रतिबंधों के बाद से ही अमेरिका समेत यूरोप के कई देशों को इस बात से आपत्ति है कि आखिर भारत रूस के डिस्काउंट पर तेल क्यों खरीद रहा है। पुरी से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस स्थिति पर दो टूक जवाब दिया था। हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि अगर तुलना की जाए तो यूरोप जितना तेल दोपहर तक में खरीद लेता है, भारत उसका बस एक तिहाई तेल ही रूस से आयात कर रहा है। हरदीप पुरी ने अमेरिकी मीडिया को साफ कर दिया है कि पिछले महीने रूस से नहीं बल्कि इराक से सबसे ज्यादा तेल खरीदा गया। पुरी ने साफ तौर पर कहा कि भारत इस मसले पर कोई दबाव महसूस नहीं कर रहा, देश की मोदी सरकार पर कोई भी दबाव नहीं है। देश इस समय 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अपने हित के फैसले लेने में सक्षम है। पुरी ने कहा कि यह सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो देश की जनता की जरूरतों को पूरा करे। 1.3 अरब के देश में लोगों के लिए एनर्जी सप्लाई जरूरी है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देश में तेल की कीमतों में इजाफा ना हो। पुरी ने कहा कि भारत किसी देश को ध्यान में रखकर तेल नहीं खरीदता, बल्कि जरूरतों को ध्यान में रखकर इम्पोर्ट करता है। ऐसे में रूस से इतना ज्यादा तेल खरीदने पर कोई अफसोस नहीं है। इससे पहले जयशंकर ने कहा था कि अभी भारत अपनी जरूरतों का 1-2% तेल रूस से खरीदता है, जबकि 10% तेल अमेरिका से इम्पोर्ट करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा था कि रूस से अपने तेल इम्पोर्ट में तेजी लाना या इसे बढ़ाना भारत के हित में नहीं है। विदेश मंत्री ने कहा था कि भारत रूस से कितना तेल खरीद रहा है, इस पर ध्यान देने से बेहतर होगा एक बार यूरोप के आंकड़े भी देख लिए जाएं। भारत रूस से सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ऊर्जा की चीजें खरीदता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें, फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।